मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग। जब बनाएंगे पके हुए बनाना की खट्टी मीठी सी सब्जी जो बाहरने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो बनाना लिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बनाना को छील लूँगी। इसको मैंने पहले से ही अच्छे से वॉश कर रखा है, तो सबसे पहले फ्रूट्स को अच्छे से वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बनाना को मैंने छील लिया है, तो बस दूसरे बनाना को भी सेम तरीके से हम छील लेंगे। और इसको बहुत ज़्यादा बारीक पीसीज हमें इसके नहीं करने हैं, मीडियम साइज़ के पीसीज में राउंड राउंड में इसको कट कर लूँगी। तो दूसरे बनाना को भी हम छील लेंगे सेम तरीके से ही। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, तो ये खट्टी मीठी सी बनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो बस इसके टॉप पार्ट को भी मैंने अलग निकाल दिया है, थोड़ा थोड़ा सा इसको रिमूव कर देंगे। तो बस इसको कट कर लेंगे हम। आप इनके छिलकों से भी यम्मी सी सब्जी बना सकते हैं। बनाना के जो छिलकों की सब्जी होती है वो भी ज़्यादा बहुत टेस्टी लगती है। इसमें कच्चा आलू मिक्स करना पड़ता है, तो आप इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस बनाना को हम मीडियम साइज़ के पीसीज में कट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इनको, वरना ये बहुत ज़्यादा सब्जी मैसी हो जाएगी। तो बस इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। बनाना को मैंने कट कर लिया, यहाँ पर एक पैन ले लिया है इसको बनाने के लिए, और इसमें हमने 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ऑयल ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल आप अपनी पसंद से कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल ऐड नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ दो ही बनाना की हम इसमें सब्ज़ी बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑयली भी अच्छी नहीं लगेगी। तो बस ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, और इसमें 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम जीरा ऐड कर देंगे। जीरा बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि सब्ज़ी बहुत ही कम है। तो बस जीरे को स्प्लटर होने देंगे, जीरा अच्छे से ब्राउन कलर का हो जाए। तो इसमें मसाले ऐड करेंगे, यहाँ पर 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे इसमें 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और 1 पिंच इसमें हींग ऐड कर देंगे, और मिक्स कर लेंगे, मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो फ्लेम को इस टाइम मैंने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पे मसाला हमने अच्छे से भून लिया, और इसमें बनाना ऐड कर देंगे। तो बस मसाले में अच्छे से कोट हो जाना चाहिए बनाना। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये चटनी जैसी सी लगती है, खट्टी मीठी सी चटनी जैसी लगती है सब्ज़ी है। तो इसमें पानी ऐड कर देंगे अब हम, और इसको बनने में भी बहुत ही कम टाइम लगता है, क्योंकि पके हुए बनाना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बहुत ही जल्दी से बन जाती है, तो आप इसको बहुत ही जल्दी बनाकर खा सकते हैं। तो थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा चीनी इसमें हमें ऐड नहीं करनी है, क्योंकि बनाना पहले से ही बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, तो इसमें बस थोड़ी सी चीनी इसमें मैंने ऐड की है। तो बस देख सकते हैं आप, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है बस ये। तो इसको कवर कर देंगे बस अब हम, और फ्लेम को सिर्फ मीडियम रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पे सिर्फ ये 3 से 4 मिनट में ही तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें हमने नमक भी ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कंसिस्टेंसी देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, और बनाना भी बहुत ही बढ़िया से हो चुके हैं, कलर भी बहुत ही प्यारा आया है, देखने में ही बहुत ही ज़्यादा टम्पटिंग लग रही है सब्जी। तो अगर आप बहुत ही जल्दी में हैं, तो आप इस तरीके से बनाना रखे हुए हैं, तो आप इसकी सब्ज़ी इसको बनाकर खा सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ही रेडी हो जाती है ये सब्ज़ी। तो बस सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप, कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा इसे हमें थिक नहीं करना है। तो बस सब्जी रेडी हो चुकी है,
तो बस यम्मी सी बनाना की सब्जी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है, देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा टम्पटिंग लग रही है। तो बस इसे डिस आउट कर लेंगे और आप इसे पराठा, पूरी, फुलके, नान, या आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी लग रही है, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है खट्टी मीठी सी सब्ज़ी। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि ये फ्रूट्स की है, हम सभी जानते हैं। तो आप इसे बच्चों को बनाकर दे सकते हैं और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये खट्टी मीठी सी चटनी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो बस आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो सब्ज़ी को हमने डिस आउट कर लिया है।